मैं प्रोफेसर पंकज केसरी और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। आइए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप यानी ट्वेल्थ क्लास में एसके सिंह के बुक से हिंदी मीडियम में पेज नंबर 134 और इंग्लिश मीडियम में 143 पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर मैं 3 बता रहा हूँ, जिसमें कैपिटल फिक्स है। कैपिटल फिक्स होने की वजह से मैंने बताया था कि बनाना पड़ेगा आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करेंट अकाउंट भी। तो ध्यान दीजिए, आपको दो दो अकाउंट खोलने होंगे, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करेंट। और क्वेश्चन में जब बोलेगा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग तो केवल पार्टनर कैपिटल, जैसा कि आपने 2 नंबर क्वेश्चन में बनाया होगा। अगर क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल से बोले, कुछ ना बोले कि फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है, मान लिया जाए एग्जाम या टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए और उसमें ये ना कहे कि आपका कैपिटल कैसा है, फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो आपको समझना है कि फ्लक्चुएटिंग है। जब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो आपको समझना है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। करेंट अकाउंट कब बनाना है? जब क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स बोलेगा तब, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अमृतपाल और राजकुमार बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी 2019 को। इनका कैपिटल है 50,000 और 40,000। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है 2:3। 2:3 का मतलब क्या हुआ? 2/5 और 3/5। 2 और 3 कितना हुआ? 5, यानी 2/5 और 3/5। आगे वो लोग अर्न करते हैं प्रॉफिट 30,000 आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन, सारे खर्चे काटने के बाद 30,000 की प्रॉफिट हुई है। तो 30,000 को हम लोग कैसे बांटेंगे? 2/5 और 3/5। इसके बाद क्या करना होगा आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर एंटाइल 1,000 पर मंथ सैलरी। पार्टनरशिप डीड के अनुसार, एग्रीमेंट के अनुसार दोनों को सैलरी देना है 1,000 पर मंथ, यानी दोनों सैलरी लेंगे 1,000 रुपये पर मंथ। इसके अलावा लिख रहा है 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों ने पूंजी लगाया है तो पूंजी पर 5% इंटरेस्ट, और इनका ड्रॉइंग दिया हुआ है दोनों को का अलग अलग 10,000 और 6,000। पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स, जब कैपिटल फिक्स हो तब। तो कैपिटल फिक्स होगा तो क्या करेंगे? 2 अकाउंट खोलेंगे, पहले पार्टनर कैपिटल उसके बाद पार्टनर करेंट। ध्यान दीजिएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट खोलना एकदम आसान। सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, मतलब पूंजी। पूंजी दोनों का दिया हुआ है 50,000 और 40,000। इस तरीके से दोनों का जोड़ हो गया आपका 50,000 और 40,000। बस इसमें कुछ नहीं डालना है, फिक्स है, इसमें कुछ जाएगा ही नहीं। तो फाइनल जोड़ इसका भी 50,000 और इसका सर 40,000। 2 में कमी है तो 2 बैलेंस सीडी, यानी आ गया कितना? 50,000 और कितना? 40,000। इस तरीके से पार्टनर कैपिटल तो क्लियर। अब आइए पार्टनर करेंट कैसे बनाए सर। पार्टनर करेंट बनाते समय ध्यान दीजिएगा और रूल पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप सामने रूल रखे हुए हैं तो आपको खूब अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी, ध्यान दीजिएगा, बाई बैलेंस बीडी का मतलब करेंट अकाउंट का बैलेंस। आपके रूल में लिखा होगा बाई बैलेंस बीडी के नीचे ब्रैकेट में करेंट अकाउंट का बैलेंस डालना है। तो हमने पूरा क्वेश्चन देख लिया, पढ़ लिया, क्वेश्चन में कहीं करेंट वर्ड मिला ही नहीं, तो नहीं मिला तो इसको डैश कर दीजिए, नील कर दीजिए। हालांकि करेंट अकाउंट का बैलेंस होता तो उसी को कहते हैं बाई बैलेंस बीडी, नहीं दिया है तो बाई बैलेंस बीडी लिख के मैंने नील कर दिया, छोड़ दिया। और इसमें क्या क्या जाएगा सर, जो आप रूल रखे हैं उसमें देखिएगा क्या क्या जा रहा है। बाई में जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपके ऊपर कैपिटल दिख रहा है 50,000 का कितना लेना है, 5% 2500, उसी तरह ले लीजिएगा
राघव के लिए 40,000 का 5% कितना 2,000। मैं केवल नहीं, एक का नाम है अमृतपाल और एक का नाम है राजकुमार। अमृतपाल मैं बना दे रहा हूँ, राजकुमार तुम बना देना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमृतपाल के लिए 50,000 का 5% 2,500। उसी तरह तुम राजकुमार में क्या करोगे, 40,000 का 5% कितना होगा 2,000। इसके बाद 22 सैलरी, दोनों ने सैलरी लिया है तो सैलरी कितना होगा सर, सैलरी 1,000 रुपये पर मंथ यानी 12,000। तो 12,000 अमृतपाल में, तो राजकुमार में भी 12,000 होगा, दोनों को ही सैलरी लिया है। इसके अलावा हम लोग को लिखना है ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कितना लिखना है, एक आदमी का 10,000 है तो बगल वाले का कितना 6,000। सारा चीज़ दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा आपके लिए काम छोड़ रहा हूँ, तब तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे बनाएं। तो एक मैं बना दे रहा हूँ, एक तुम बना देना, इससे आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा कि मुझे बनाने आ रहा है। इसके बाद क्या लिखना होगा सर, और कोई क्वेश्चन में आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सब हो गया। अब एक चीज़ और, क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट हुआ है 30,000, तो लिखिए बाई P&L एप्रोप्रिसिएशन, P&L एप्रोप्रिसिएशन ये कितना होगा सर, 30,000 को बांटना होगा, 30,000 को दो भागों में बांटना है, 30,000 का 2/5 यानी कि 12,000, और फिर 30,000 का 3/5 18,000। ध्यान दीजिएगा, किताब में दिया है 2:3 यानी 30,000 गुने 2/5 तो ये 12,000 आ गया, और 30,000 का 3/5 यानी 18,000 आएगा, सब आपको भरना होगा। तो अब क्या किया जाए सर, जोड़ दिया जाए। मैं काम कर रहा हूँ अमृतपाल के लिए, तुम काम करना राजकुमार के लिए। तो ऐसा करते हैं कि अब इसको जोड़ देंगे, तो इस तरीके से आपका इसका जोड़ हो गया 26,500। इधर तो 26,500 दिख नहीं रहा है सर, तो फिर भी भर दीजिए 26,500। कमी तो 2 में है, तो 2 कमी को क्या लिखना है, 2 बैलेंस CD कितने की कमी है, 16,500 की। तो जैसे मैंने काम किया अमृतपाल का, उम्मीद करते हैं कि आप राजकुमार का भी काम करेंगे, तो आपका जो बैलेंस आएगा, जो कमी आएगा, यहाँ पे लिखना है जहाँ पे मैंने टिक मारा है, यहीं पर आपको लिखना होगा जहाँ पे टिक लगाया गया है, और अलग से CD नहीं लिखना है, इसी CD से दोनों का काम चल जाएगा। 2 बैलेंस CD लिखी गया, दोनों का काम चल जाएगा। तो आप लोग एकदम कन्फर्म जान गए कि यदि क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग बोले तो कैपिटल अकाउंट बनाओ, कुछ ना बोले तो भी कैपिटल अकाउंट बनाओ, और यदि कहे कि कैपिटल फिक्स है तब ही बनाना है पार्टनर कैपिटल और करेंट दोनों। बाई बैलेंस BD क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि क्वेश्चन में करेंट अकाउंट के नाम से कोई बैलेंस नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक एक क्लास आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे तो बहुत प्रॉब्लम होने लगेगा। आगे है पार्टनरशिप एडमिशन, पार्टनरशिप डेथ, पार्टनरशिप डिल्यूशन, पार्टनरशिप रेशियो, पार्टनरशिप गुडविल, बहुत सारे चैप्टर हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए बेटर होगा कि इस चैप्टर को आप एकदम आराम से समझते हुए पढ़िए। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल कॉमर्स क्रिएट सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करना।